हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी, स्ट्रॉन्ग योर बेस टू स्ट्रॉन्ग योर फ्यूचर। आइए जी, हमने करे थे अभी तक 39 लेक्चर अकाउंटिंग में, आज अपना 40th लेक्चर, जिसमें आज हम करने वाले हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के बारे में कुछ चीज़ें। ठीक है, तो आज शुरू करेंगे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इससे पहले कि अगर वीडियोज आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन्हें जाके पहले देख लीजिए, ताकि आपका फ्लो बन जाए और उन वीडियोज के बाद आप इस वीडियो पर आइएगा। ठीक है, उन सभी वीडियोस का डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा और प्रॉपर एक प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, आप चैनल पर जाकर सर्च कर सकते हैं। आइए, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, सिंपल सी चीज। अगर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के बारे में हम कुछ जाने तो है क्या, देखिए, एक है अपने पास क्या, कंपनी। क्या है कंपनी? कंपनी के पास मान लो कोई भी पैसा पैसा नहीं है। ठीक है, कैपिटल सारी की सारी बेचारे की बिक गई, सारी की सारी खत्म हो गई, लिक्विडेट हो गया, जो लायबिलिटीज हैं वो ओवरड्यू हो रही हैं, तो प्रॉब्लम होंगी बहुत सारी। लाइक क्रेडिटर्स बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करेंगे भी, हमारा पैसा दो, हमारा पैसा दो। एम्प्लॉयज कहेंगे सैलरी दो, सैलरी दो, चिल्लाएंगे। इसकी वजह से दो प्रॉब्लम्स होंगी, दो में से एक तो सबसे बड़ी ये है कि जी या तो लिक्विडेट करो, या दूसरी है कि इसको थोड़ा सा रिहैबिलिटेट करो, रिकंस्ट्रक्ट करो। अब होगा क्या कुछ, पहला कंडीशन तो ये है कि कंपनी ने एक मीटिंग बुलाई है, कंपनी ने मीटिंग बुलाने के बाद कहा जी हमें थोड़ा थोड़ा पैसा दो, जिसकी वजह से हम आपको सिक्योर कर सके, थोड़ा काम ज्यादा कर सके, काम ज्यादा करेंगे कंपनी थोड़ी चलेगी, कंपनी पैसा कमाएगी, कंपनी पैसा कमा के आपको दे देगी। अगर सारे के सारे क्रेडिटर्स मान जाते हैं तो वेल एंड गुड, आपको पैसा मिल जाएगा। अगर सेकंड कंडीशन है, अगर नहीं मानते तो कंपनी कहेगी भैया देखो हमारे पास है नहीं बोटी कोड़ी, हम दे नहीं सकते, आपने पैसे देना है तो दो, नहीं तो कर दो लिक्विडेट। अगर लिक्विडेट करोगे तो क्या होगा, किसी सिंगल वन को पैसा नहीं मिलेगा, किसी भी सिंगल वन को पैसा नहीं मिलने वाला। लेकिन अगर पैसा दे देते हो और रिहैबिलिटेट करवाना चाहते हो इस कंपनी को कि ढंग से काम करे, दोबारा थोड़ा अच्छा काम करे, अर्निंग करे, और उसके बाद फिर आपको रिटर्न्स भी प्रोवाइड करे, तो थोड़ा सा पैसा लगा दो, आपका मानते हैं कि लॉस हो चुका है, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा पैसा लगा दोगे तो हम उसको जल्दी से जल्दी उसको रिकवर करवा देंगे। तो कंपनी को अगर जो क्रेडिटर्स हैं वो पैसा दे देंगे तो बहुत बढ़िया है, नहीं देंगे तो फिर लिक्विडेशन के अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है, तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या कहते हैं, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कभी भी ना कंपनी जो होती है वो लिक्विडेट नहीं होती, लिखा है ना, नाइदर लिक्विडेशन नोर फॉर्मेशन, ना तो लिक्विडेशन होगा और ना ही फॉर्मेशन होगा न्यू कंपनी का। अगर हम बात करें एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का, तो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में क्या होता है, कंपनी लिक्विडेट भी होती है एंड प्लस में फॉर्मेट होती है न्यू कंपनी। ऐसा ही होता है, हमने पढ़ा था, ऑलरेडी हमने पढ़ लिया, आज भी हम डिस्कस कर लेंगे जब इनका डिफरेंस करेंगे तो। ठीक है, तो कंपनी क्या होती है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में, कंपनी लिक्विडेट हो जाती है पुरानी कंपनी और नई कंपनी फॉर्मेट हो जाती है। लाइक एक्स लिमिटेड कंपनी है, तो ये कंपनी खत्म हो जाएगी और इसकी बजाय क्या बन जाएगी, न्यू एक्स लिमिटेड कंपनी बन गई। ठीक है, तो ये सारा होता है। एक सेकेंड जी, आइए, तो अभी क्या कह रहे हैं, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन देर इज नाइदर लिक्विडेशन नोर फॉर्मेशन, ना तो कभी लिक्विडेशन होगा एंड ना ही कभी फॉर्मेशन होगा, किसका, न्यू कंपनी का, टू टेक ओवर एनी एग्जिस्टिंग बिजनेस। ठीक है, तो ना ही कभी लिक्विडेशन होगा, ना ही कभी फॉर्मेशन होगा किसी नई कंपनी का, और अगर ऐसा नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो एग्जिस्टिंग कंपनी है, जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है वो कंटिन्यू वर्क करेगा और किसी भी अनदर बिजनेस को वो टेक ओवर नहीं करेगा। ठीक है, द एग्जिस्टिंग कंपनी कंटिन्यूज क्या करेगा, द एग्जिस्टिंग कंपनी कंटिन्यूज इन इट्स लीगल एंटिटी फॉर्म। तो लीगल एंटिटी फॉर्म में होगा, लीगल एंटिटी का मतलब क्या है, यहां पर लीगल एंटिटी हमने पढ़ा कि कंपनी का बर्थ कैसे होता है, लॉ के अकॉर्डिंग होता है, और कंपनी का डेथ, कंपनी बंद कैसे होती है, वो भी लॉ के अकॉर्डिंग ही होती है। ठीक है, तो लीगल एंटिटी फॉर्म में है एंड इज ओनली रिकॉग्नाइज्ड इंटरनली, रीऑर्गेनाइज्ड इंटरनली। तो रीऑर्गेनाइज, देखो एक जो होती है ऑर्गेनाइज्ड, आपने चीजों को वेल मेंटेन किया है, स्टेप बाय स्टेप कुछ काम किया है,
लेकिन जब उसमें कुछ खामियां आ जाएं तो आपको उसे थोड़ा सा दोबारा चेंज करना पड़ता है। तो जब दोबारा से कोई काम करता है उसे कहते हैं री, ठीक है। जैसे लाइक आपका कोई एग्जाम है, आपकी मतलब आपने मास्टर्स की है, ग्रेजुएशन की है, तो उसमें आपका कोई ना कोई एग्जाम मान लो ऐसे ऐसे ही मतलब मान लो कि रह गया, तो री उसे कहते हैं ना, पर री अपीयर आ गई, तो हम री अपीयर होते हैं एग्जाम में और उसके बाद एग्जाम को क्रैक करते हैं। तो वैसे री ऑर्गेनाइज्ड है, ऑर्गेनाइज कर चुके, लेकिन कुछ समस्याओं के कारण, कुछ दुविधाओं के कारण हम लोगों ने रीऑर्गेनाइज कर दिया, इंटरनली बाहर नहीं गए, अंदर वाली चीजों को ही रीऑर्गेनाइज कर दिया। इट इज यूजली डन बाय अल्टरेशन एंड रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। लाइक एज होगा क्या, 100 रुपए पर शेयर है, अब इसको करेंगे क्या, इसको ना 10 10 रुपए पर शेयर, 10 10 रुपए पर शेयर, 10 10 रुपए पर शेयर कर देंगे। अब 10 10 रुपए पर शेयर करने से क्या हुआ, टुकड़ों में बट गया शेयर, टुकड़ों में बट गया। अल्ट्रेशन या रिडक्शन के मेथड से हम लोग करते हैं, अभी टुकड़ों में बट जाएगा, तो जो एक शेयर पहले एक पर्सन खरीद सकता था, वही अब 100 रुपए के शेयर अब 10 लोग खरीद सकते हैं, ऐसा ही होगा। तो इस इन चीजों को कहते हैं हम लोग इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, और इनके दो मेथड्स हैं, एक है अल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल एंड अनदर वन इज रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। इन केस ऑफ ए कंपनी हैविंग ह्यूज लॉसेस, मैंने आपको पहले बताया कि कंपनी को बहुत सारा लॉस हो गया तो क्रेडिटर्स प्रॉब्लम करेंगे, तो किन कंपनी में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, जहां पर कंपनी को ह्यूज लॉस हो रहा हो या फिर उनकी असेट्स जो है वो ओवर वैल्यूड हो गई हो, ए स्कीम ऑफ कैपिटल रिडक्शन इज एडॉप्टेड। तो उस कंपनी में हम लोग कैपिटल रिडक्शन, कैपिटल को रिड्यूस करने का काम करते हैं और उसे एडॉप्ट करके सही करते हैं। तो ये है कुछ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मीनिंग, ठीक है। इसके कुछ प्रैक्टिकल हैं, कुछ कुछ मतलब कैसे करते हैं, कैसे कैसे करते हैं वो देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज देखेंगे जस्ट जनरल बेसिक मीनिंग ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का। ओके, सो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, टू प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ द कंपनी। ऑब्वियस है कि अगर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्यों कर रहे हैं, ऑब्वियस है कि कंपनी में बहुत सारा ह्यूज लॉस होगा, बहुत बहुत ज्यादा मात्रा में लॉस होगा, या फिर उनकी कैपिटल ओवर ड्यू हो गई, या फिर लाइबिलिटीज की पेमेंट नहीं हो पा रही है, तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करते हैं ताकि एग्जैक्ट मतलब देसी भाषा में बोले तो कंपनी की औकात पता लगती है कि कंपनी एक्चुअल में क्या है। तो प्रेजेंट करते हैं क्या, ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ द कंपनी। टू राइट ऑफ करते हैं फिक्टिशियस असेट्स को, रिड्यूस करते हैं फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स टू दियर रियल वर्थ। रियल वर्थ, रियल वर्थ एक्चुअल में क्या है, मान लो मार्केट में है जी उस कंपनी की वैल्यू कितनी, 100 रुपए, लेकिन क्या पता ऐसा हो कि उसकी जो रियल वर्थ है, बुक वैल्यू, वो सिर्फ और सिर्फ 2 रुपए हो। क्वाइट पॉसिबल, हो सकता है ऐसा, हो सकता है कि नहीं हो सकता, जी सर हो सकता है। क्यों, तो क्योंकि हमेशा मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से इंक्रीज होती है, क्योंकि वो ट्रेडिंग कंटिन्यू होता रहता है, ठीक है। तो रिड्यूस करते हैं हम लोग फेस वैल्यू ऑफ शेयर को टू दियर रियल वर्थ, ठीक है। फिर है टू क्रिएट कॉन्फिडेंस अमंग शेयर होल्डर्स बाय एश्योरिंग देम फेयर रिटर्न ऑन दियर ट्रू इन्वेस्टमेंट। तो देखो अब सीधी सी बात, आपने ट्रू एंड फेयर पिक्चर बनाई है ना, तो उससे पता लग जाएगा, उससे पहले ऑलरेडी पता लग जाएगा आपके जो शेयर होल्डर्स हैं, आपके जो भी क्रेडिटर्स हैं, उन सबको पता लग जाएगा, और पता लगेगा कि हाँ भाई कंपनी की एक्चुअल में वर्थ क्या है, कंपनी की एक्चुअल में औकात क्या है ना। तो उससे ट्रू पिक्चर समझ में आएगी शेयर होल्डर्स को, आपके क्रेडिटर्स को, कंपनी क्रेडिटर्स को, और वो कॉन्फिडेंस शो करेंगे आपकी कंपनी की रिगार्डिंग, एश्योर हो जाएंगे कि हाँ भाई हमको इतना इतना परसेंट जो है वो रिटर्न मिलने वाला है। चलिए जी आगे आगे कहते हैं, अब बात करते हैं कुछ इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में डिफरेंस। छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक। देखिए इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन मैंने ऑलरेडी बताया, देर इज नाइदर नाइदर लिक्विडेशन नोर रिफॉर्मेशन या फिर फॉर्मेशन ऑफ न्यू कंपनी। ओके, सो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में हाँ जी हाँ बनती है, न्यू कंपनी बनती है। ओके, पढ़ लेते हैं। नंबर ऑफ कंपनीज, पहली बात कि नंबर ऑफ कंपनीज क्या होंगी, ओनली वन कंपनी है विच इज बींग रीऑर्गेनाइज। अभी पढ़ा इंटरनली कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, लाइक आपका ऐसा, आपका ना ऐसे कोई घर है, ठीक है। घर में आपने यहाँ पर एक रूम बनाया है, यहाँ पर अपना वॉशरूम एंड बाथरूम बनवा दिया। ओके,
साथ में आपने इस पोर्शन में ऐसे किचन बनवा दी, ठीक है, यहाँ पर आपकी वो गैलरी हो गई, यहाँ पे आपका एक और रूम, यहाँ पर आपका एक छोटा सा गेस्ट रूम, यहाँ पे आपकी वो पूरी लॉबी जहाँ पे आप अपनी पार्किंग वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, अभी आपने आपकी मान लो ऐसे फैमिली थोड़ी सी बढ़ी, मैरिज हुई घर में, या कोई ऐसे आपको ऐसा लगा कि हाँ भी गेस्ट जब आ जाते हैं तो रूम्स कम पड़ते हैं, तो आपने थोड़ा सा ऐसे प्लान किया कि या तो हम इसके ऊपर ऐसे कोई फ्लोर बनवा लेते हैं। हाँ, लेकिन फ्लोर मान लो कि आपकी जो आपका जो एरिया है उसमें म्युनिसिपल जो कमेटी है उस वो मना करती है कि आप वन फ्लोर फर्स्ट फ्लोर नहीं बनवा सकते, आप सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पर रहेंगे, ठीक है। तो आप इसमें कुछ फेरबदल करेंगे, लाइक आपने ये स्पेस छोड़ दिया था स्टोर रूम का, आपने कहा जी स्टोर रूम है, इस स्टोर रूम को खत्म करो और यहाँ पे इस रूम को थोड़ा सा तो बड़ा कर लो यहाँ पे, या फिर यहाँ पे एक तीसरा रूम और बनवा लो। तो आपने इंटरनली रिकंस्ट्रक्ट कर लिया, फर्स्ट फ्लोर ना बनवा कर, फर्स्ट फ्लोर बनवाते तो उसे क्या कहते हैं, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, लेकिन आपने घर के अंदर ही जो ऑलरेडी बनी हुई है उसमें ही आपने कुछ चेंजेस कर लिए, इसे कहते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। क्लियर है? तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में कितनी कंपनी होगी, सिर्फ एक कंपनी होगी। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, ऑब्वियस है, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन हमने बाहर की चीजें करनी है, और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में हमने पढ़ लिया था कि लिक्विडेशन भी होता है और फॉर्मेशन भी होता है, किसका, न्यू कंपनी का। तो इट इन्वॉल्व्स टू कंपनीज, वन विच इज बींग लिक्विडेटेड एंड द अदर विच इज बींग फॉर्मड। ओके, लिक्विडेशन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में क्या कहता है, एग्जिस्टिंग कंपनी डज नॉट गो इन टू लिक्विडेशन, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया लिक्विडेशन नहीं होता, फॉर्मेशन नहीं होता, ठीक है। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, द एग्जिस्टिंग कंपनी इज लिक्विडेटेड, ओके, जनरल सी बात, अभी तक बार 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 वही चीज रिपीट हो रही है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू कंपनी, नो न्यू कंपनी इज फॉर्मड, पढ़ा, कोई फॉर्मेशन होता है, नहीं सर नहीं होता। लेकिन अगर हम बात करें एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन की, तो उसमें क्या होगा, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में एक नई कंपनी फॉर्मेशन होती है, ए न्यू कंपनी इज फॉर्मड टू टेक ओवर, टेक ओवर क्या, असेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द एग्जिस्टिंग कंपनी, जो कंपनी है उसके असेट्स और उसकी लाइबिलिटीज को टेक ओवर कर लेगी एक नई कंपनी। ओके, टेक ओवर में क्या है, टेक ओवर में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इट डज नॉट टेक ओवर द बिजनेस ऑफ अनदर कंपनी, वाई वाई, बिकॉज देर इज नॉट न्यू कंपनी, देर इज नॉट अ न्यू कंपनी, नॉट फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू कंपनी। ओके, एंड अगर हम बात करें एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन की, इट इन्वॉल्व्स टेक ओवर ऑफ द कंपनी, हाँ लग गया पता, टेक ओवर क्यों, क्योंकि नई कंपनी बन रही है, नई कंपनी क्रिएट हो रही है। ओके, लीगल पोजीशन, लीगल पोजीशन में बात है, लीगल पोजीशन में सिर्फ इतनी सी चीज है कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है वो सेक्शन नंबर 66 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 डील करता है, एंड अगर हम बात करें एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन की तो कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन नंबर 319 इससे डील करता है। ओके, तो आज छोटा सा लेक्चर था, इसमें हमने क्या पढ़ा कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में ना ही कभी कोई कंपनी लिक्विडेट होगी, ना ही कभी कोई कंपनी कभी नई बनेगी, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू कंपनी भी नहीं होगा, लीगल एंटिटी उसकी सेम रहेगी, बस इंटरनली, जैसे घर का एग्जांपल दिया, तो इंटरनली वो क्या होगी, रिकंस्ट्रक्ट होगी। और इसके दो मेथड्स है, फर्स्ट वन इज अल्टरेशन मेथड एंड सेकंड वन इज रिडक्शन मेथड। और हम जब हमारी कंपनी बहुत ज्यादा लॉस हो रहा हो उस वक्त हम लोग ओवर जो मतलब, या फिर आपके एसेट्स जो है वो ओवर वैल्यूड हो, तो आप कैपिटल रिडक्शन को एडोप्ट करते हैं, कैपिटल रिडक्शन की स्कीम को आप एडोप्ट करते हैं और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन को कर देते हैं। फिर बात करते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव्स की, बात करिए, छोटी मोटी से ऑब्जेक्टिव्स थे, ठीक है, वैसे छोटी मोटी कहने की छोटी मोटी है ये, लेकिन एक्चुअल में मेन काम ये है कि हम लोग इनके लिए करते हैं, क्योंकि अगर आप लोग को पता हो कंपनी अगर काम करती है तो वो शेयर होल्डर्स के लिए काम करती है, नॉट फॉर एम्प्लॉयज, क्योंकि शेयर होल्डर्स आर द मेन ओनर्स, पढ़ा है ना कि शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी, उनके लिए ही कमाती है कंपनी, ठीक है। फिर बात करते हैं कुछ इनकी डिफरेंस था, डिफरेंस हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, लास्ट लेक्चर्स में भी पढ़ा था, इसमें भी शुरुआत में बहुत डिटेल में पढ़ा दिया है, ठीक है जी। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक टेलीग्राम का ग्रुप है हमारा, इस पे आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल स्टडी नेम सही है, इस तरह का लोगो आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।